हेलो, आई एम अनामिका कौशिक एंड वेलकम टू दी शो बॉलीवुड गॉसिप। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की टॉप 5 खबरों के साथ। मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद दूसरी शादी करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान, वेडिंग डेट हुई फिक्स। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई और एक्टर अरबाज खान को लेकर खबर आ रही है कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबाज खान मेकअप आर्टिस्ट शौर खान को डेट कर रहे हैं और शादी की प्लानिंग में हैं। अरबाज खान 24 दिसंबर को एक बार फिर दुल्हा बनने जा रहे हैं और वो 24 दिसंबर को शौर खान के साथ शादी करने वाले हैं। इस शादी में फैमिली मेंबर्स और खास दोस्त ही शामिल होंगे। शादी मुंबई में होगी। खैर, आपको बता दें कि शौरा और अरबाज की मुलाकात फिल्म पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी। इसके बाद से उनके बीच में प्यार हुआ। खैर, अरबाज की शादी को लेकर अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो वहीं अब आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन को मिली राहत। ईडी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। जैकलिन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ ईडी की तरफ से दर्ज केस को निरस्त करने की मांग की है। गुरुवार यानी 21 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई, जब कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में जैकलिन ने दावा किया कि इस पूरे मामले में वो खुद एक पीड़िता है, न कि कोई अपराधी। वहीं हाईकोर्ट में जैकलिन की याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को मुकर्रर की गई है। और अब आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफिकल फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स ने लोगों का जीता दिल। जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में नजर आएंगे। आज मुंबई में पंकज त्रिपाठी फिल्म के निर्देशक रवि जाधव, निर्माता विनोद भानुशाली और निर्माता संदीप सिंह की मौजूदगी में फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। ये फिल्म 19 जनवरी साल 2024 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान पंकज ने कहा कि उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को निभाना आसान काम नहीं था, क्योंकि वे अटल जी का रोल निभाते वक्त मिमिक्री नहीं करना चाहते थे और उनके व्यक्तित्व की नकल नहीं करना चाहते थे। वहीं आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को अच्छे ढंग से पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि हो सकता है कि फिल्म देखने के बाद लोग ये शिकायत करें कि फिल्म में अटल जी के कुछ पहलुओं को नहीं दिखाया गया, लेकिन 2 घंटे की फिल्म में सब कुछ दिखाना मुमकिन तो नहीं है। और अब आपको बता दें, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म सालार। प्रभास की फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में कर ली सॉलिड और बम्पर कमाई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वहीं कल यानी 22 दिसंबर को सुपरस्टार प्रभास की सलार थिएटर में दस्तक देगी। प्रभास स्टारर फिल्म का क्रेज भी ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि सलार ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी को भी प्री टिकट सेल में पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक सलार के अब तक करीब 14,76,074 टिकटों की सेल हो चुकी है। इसी के साथ प्रभास स्टारर फिल्म ने एडवांस बुकिंग में लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो ऐसे में अब देखते हैं कि ये फिल्म फर्स्ट डे कितना कलेक्शन कर पाती है। टीवी सीरियल दिया और बाती हम पॉपुलर शो में एक था। इस सीरियल में दीपिका सिंह और अनस रशीद लीड रोल में नजर आए थे। तो वहीं अब ऐसा कहा जा रहा है कि दिया और बाती हम का दूसरा सीजन लॉन्च होने जा रहा है। शशि और सुमित एक शो में लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक शो था जो कि आईएएस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमता था। टीवी शो जो कि आशिकाना और नागिन फेम खुशी दुबे इस शो के दूसरे सीजन में दीपिका सिंह की जगह ले सकती है। हालांकि इस पर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। पहले आपको बता दें कि टीवी पर कई ऐसे शो आते हैं जो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहीं दिया और बाती भी उनमें से एक ही था। तो अब देखना ये होगा कि इस सीरियल का दूसरा सीजन दर्शकों को कितना पसंद आता है। इससे पहले भी कई शो के दूसरे सीजन आए हैं, लेकिन वो पहले के मुकाबले इतना कमाल नहीं दिखा पाए। ऐसे में इस सीरियल के दूसरे सीजन को देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये दर्शकों के दिल में कितना उतर पाता है। वेल, बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप एंड फिल्म रिव्यू के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेले44। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू और बायोग्राफी के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेले44।